द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यू हियर बाय अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपांकर तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता जो है उनका शपथ समारोह यहां पर होने जा रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस दीपांकर दत्ता रहते थे और उन्हें यहां पर मुख्य न्यायाधीश जो है डीवाई चंद्रचूड़ वो उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने जा रहे हैं। तो अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 28 होने जा रही है। By virtue of the power vested in me by clause 2 of Article 124 of the Constitution of India, I, Draupadi Murmu, President of India, do hereby appoint Sri Justice Deepankar Datta, Chief Justice of the Bombay High Court, to be a judge of the Supreme Court of India, with effect from the date he assumes charge of his office. Given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 11th day of December, in the year 2022, 20th Agrahayana, 1944 Shaka, in the 73rd year of the Republic of India, signed President of India. May I now request Honorable Justice Deepankar Datta to take oath. I, Deepankar Datta, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God, do swear in the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws, and that I will uphold the Constitution and the laws. तो ये तस्वीरें आपने देखी यहाँ पर प्रधान न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के 26 सितंबर को इनके नाम की जो सिफारिश की गई थी वो चीफ जस्टिस तब के यू यू ललित के द्वारा की गई थी, और अब इस पे मुहर लगी है तो अब उन्होंने शपथ ली है। आशीष भार्गव है हमारे साथ। आशीष, इनके पिता जो थे वो भी न्यायाधीश न्यायमूर्ति थे सलील कुमार दत्ता, उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें और दीपांकर दत्ता के बारे में भी बताएं कुछ दिलचस्प बातें अगर आप हमारे दर्शकों से साझा करें। जी देखिए, बिल्कुल न्यायिक फैमिली से ये बिलोंग करते हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता, और 2020 में अप्रैल 2020 में उनको बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाया गया था। उनको इससे पहले वो कलकत्ता हाईकोर्ट में बतौर जज रहे हैं 2006 से 2020 तक, और काफी अहम है ऐसे मोड़ पर जहां पर कोलिजियम के की अपॉइंटमेंट को लेकर इतनी खींचतान हो रही है। करीब 2.5 महीने लग गए केंद्र सरकार को इनकी अपॉइंटमेंट क्लियर करने में। 26 सितंबर को जस्टिस यू ई ललित जब सीबीआई थे तो उनके द्वारा एकमात्र ये कोलिजियम की सिफारिश भेजी गई थी सुप्रीम कोर्ट के लिए। 34 पद खाली थे, आज एक भरा है, यानी 28 जज अब हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनके पिता भी कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रहे हैं और वो जस्टिस अमिताभ रॉय सुप्रीम कोर्ट में जज थे, वो रिटायर हो गए थे, उनके रिश्तेदार भी हैं, और काफी बड़ा कैरियर जस्टिस दीपांकर दत्ता का रहा है, काफी अहम कैरियर रहा है, और अब ऐसे मोड़ पर जहां पर उनके लिए बड़ी चुनौतियां हैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट में, और अभी 6 पद और भी खाली है सुप्रीम कोर्ट में, निश्चित तौर पर वो भी भरे जाने हैं। ये काफी अहम ऐसे मोड़ पर है जब सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जजों की अपॉइंटमेंट यहाँ पर होनी है,
लेकिन सवाल उठाए केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार उठाए जा रहे हैं कोलिजियम सिस्टम को लेकर, और ऐसे में एक इकलौती अपॉइंटमेंट जो कोलिजियम को भेजी थी वो आज यहां पर हो गई है और अब बाकी भी कोलिजियम को भेजनी पड़ेंगी सारी सिफारिशें। लेकिन जिस तरह टकराव के बीच केंद्र सरकार ने ये अपॉइंटमेंट की है उससे एक चीज साफ है कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और चुनौती है कि जो रिक्तियां हैं चाहे वो हाई कोर्ट में हो, 350 से ज्यादा रिक्तियां हाई कोर्ट के जजों की और 6 रिक्तियां सुप्रीम कोर्ट में है, उनको सबको जल्द से जल्द भरा जाए। जी शुक्रिया आशीष। तो अदिति अब 28 हो गई है तादाद, लेकिन अगर अगले 8 महीने में देखें तो 6 जज रिटायर होने वाले हैं, तो 28 से फिर वो घटकर 22 पे आ जाएगा, कुल 34 तय संख्या है।